हेलो दोस्तों, मैं हूं रक्षा गुप्ता, आपकी जीएसटी एक्सपर्ट। वेलकम टू सुरेपाथशाला। हम लोग रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख रहे हैं, जिसमें जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे आप लोगों की आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उनमें से चूज करना होगा, देन आपको आंसर बता दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। गुप्त वंश, आपने सुना होगा गुप्त डायनेस्टी, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, क्वेश्चन ये है आपको। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला श्रीगुप्त, श्रीगुप्त, श्रीगुप्त लिखा मिलेगा इंग्लिश में आपको। दूसरा दिया हुआ है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। तीसरा दिया हुआ है आपको स्कंदगुप्त और चौथा दिया हुआ है आपको समुद्रगुप्त। ये चारों में है आपके ऑप्शन। दोबारा सबसे क्वेश्चन क्या है, गुप्त डायनेस्टी के कौन संस्थापक है, ठीक है। इसमें ऑप्शन पहला है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, आप राइट आंसर सोच लीजिए। और इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने एस्टेब्लिश की थी गुप्त डायनेस्टी। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है, अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है तो श्रीगुप्त राइट आंसर है, नो डाउट। बट अगर आपसे पूछा जाए कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक तो आंसर बदल जाता है, वास्तविक वर्ड से ही आंसर बदल जाता है, फिर हो जाते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपने सुना होगा इसके बारे में डेफिनेटली, जिन चंद्रगुप्त की बात हम करते हैं, या आपने सुना होगा मेहरौली का स्तंभ है दिल्ली में, मेहरौली का लौह स्तंभ है दिल्ली, ठीक है। उस लौह स्तंभ मतलब ये वाला लौह स्तंभ किसके बारे में, वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में है। तो क्वेश्चन डाइवर्सिफाई है, मतलब क्या है कि अगर आपसे पूछते हैं कि गुप्त वंश का वास्तविक गुप्त वंश का संस्थापक कौन, तो श्रीगुप्त, और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि मेहरौली का लौह स्तंभ कहाँ है, तो ये दिल्ली में है। मतलब यहाँ से आपने कितने सारे क्वेश्चन कवर किए, देखिए ये दिल्ली में है और ये किसके लिए बनाया गया है, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए। तो इस क्वेश्चन से हमने इतना देखा, आगे देखते हैं और ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है, भारत का नेपोलियन, अनलिमिटेड टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। तो चलो सॉरी समुद्रगुप्त को, क्यों आपने नेपोलियन का नाम सुना होगा, नेपोलियन कहाँ से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे फ्रांस, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो ये हेड बन गए थे फ्रांस के, तो ये यहाँ से बिलोंग करते थे। इन्होंने कम्प्लीट यूरोप को, केवल ब्रिटेन को छोड़ के पूरा यूरोप जीत लिया था। इसी तरीके से भारत में समुद्रगुप्त ने पूरा भारत जीत लिया था, इसीलिए समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है और इन्हें भारत की नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। यहाँ से काफी क्वेश्चन कवर हुए, पहला आपका बना कि गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, मेहरौली का स्तंभ कहाँ है, दिल्ली में, मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो किसके लिए है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के लिए, नेपोलियन कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस से, और भारत का नेपोलियन कौन, समुद्रगुप्त। तो आपके छह क्वेश्चन यहाँ से बन गए, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि एंटी रिफ्लेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल कानून, डेफिनेटली आपने सुना होगा एंटी रिफ्लेक्शन लॉ। संविधान की किस अनुसूची में, यानी कि संविधान के कौन से शेड्यूल में एंटी रिफ्लेक्शन लॉ, दल बदल कानून की बात की गई है। आपके ऑप्शन है पांचवी अनुसूची, दसवीं अनुसूची, बारहवीं अनुसूची और पहली अनुसूची। ये आपके सामने ऑप्शन है क्या, पांचवी अनुसूची यानी कि शेड्यूल, दसवीं अनुसूची, बारहवीं अनुसूची और लास्ट है आपका पहली अनुसूची, ठीक है ना, फर्स्ट। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, डेफिनेटली आपको पता होगा बहुत सिंपल एंड क्लियर का क्वेश्चन है। टेंथ शेड्यूल, टेंथ शेड्यूल जो है वो हमें बताती है संविधान के दल बदल कानून के बारे में। पहले डिस्कस करते हैं कानून क्या है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन में अक्सर ऐसा हुआ करता था कि जो पार्टी जीतती थी व्यक्ति क्या करता था, उसकी तरफ मूव ऑन कर जाता था, जैसे कांग्रेस की, कांग्रेस इस बार हार गई मान लीजिए और बीजेपी जीत गई, तो कुछ क्या कर सकते, पहले क्या होता था, अभी नहीं हो सकता ऐसा, तो यहाँ के जो लोग थे वो यहाँ पे चले जाते थे, यानी कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन कर लेते थे, और ये इनकी सत्यनिष्ठा का मतलब वार था एक तरीके से, क्योंकि तो अपनी पार्टी के वोट नहीं हो पाते थे, इसलिए दल बदल कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। कब लाया गया, बानवे संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985।
बावनवा संविधान संशोधन विधेयक 1985 इसके तहत संविधान में संशोधन किया गया और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52 है बावन। ओके, इसके बाद हमें पता होना चाहिए जब हमारा संविधान बना था तब कितनी अनुसूची थी, तो तब हमारे संविधान में केवल 8 अनुसूची थी और आज के डेट में हमारे यहाँ अनुसूची है 12। तो ये 3 बातें याद रखनी है, जब बना था तब 8 थी, आज के डेट में 12 है और संविधान की 10वीं अनुसूची बताती है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, यानी कि दल बदल कानून के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चुनाव आयोग का संबंध है। चुनाव आयोग में इलेक्शन कमीशन भी आपका बहुत यूज में, तो आपको बताइए इसके बारे में। चुनाव आयोग का संबंध है अनुच्छेद 224 से, अनुच्छेद 224, 324, 424 या 452, ये आपके सामने ऑप्शन है और राइट ऑप्शन आप चूज कर लीजिए। राइट ऑप्शन है अनुच्छेद 324। चुनाव आयोग जो हमारे यहाँ बना हुआ है वो अनुच्छेद 324 में लिखा हुआ है कि भारत का ये चुनाव आयोग होगा। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है इलेक्शन कंडक्ट कराना, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन यानी कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, लोकसभा के, राज्यसभा के, विधानसभा के, इन सबके इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इन सबके इलेक्शन कंडक्ट कराता है चुनाव आयोग। लेकिन यहाँ से आप एक बात क्लियर कर लीजिए, पंचायत का और म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन निर्वाचन आयोग नहीं कराता, राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। दोबारा समझिए, चुनाव आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 324 में है। चुनाव आयोग का कार्य राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के इलेक्शन कराने का होता है, लेकिन पंचायत का चुनाव और नगर निगमों का चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। दोनों में डिफरेंस है। निर्वाचन, ये जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है सेंट्रल लेवल पे, केंद्र सरकार का, और ये कहाँ का है? स्टेट लेवल पे, राज्य। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर कर दिमाग में रखना है। अपने अभी वर्तमान में चुनाव आयोग में 3 सदस्य होते हैं, उनमें से एक सीईसी होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और दो इनके अलग होते हैं, मतलब 3 लोग होते हैं टोटल, उनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट में, वर्तमान में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। तो ये आपको रिटेन करना है माइंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा जो है, अभी जो इलेक्शन हुए हैं, जो परसों रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है जिसका, वो कौन सी लोकसभा है? मतलब लोकसभा की संख्या होगी ना कोई ना कोई, तो ये कौन सी लोकसभा चुन के आई? ऑप्शन है आपके सामने, ये 17वीं लोकसभा है, 15वीं है, 16वीं है या 14वीं है, ये 4 आपके सामने ऑप्शन है। तो आपको आई थिंक पता होगा कि ये 17वीं लोकसभा चुन के आई है और बहुत भारी बहुमत से बीजेपी जीती है, आपको पता होगा, ये तो खैर पॉलिटिकल न्यूज आप देखते ही होंगे। तो अभी जो रिसेंटली आई है 17वीं लोकसभा आई और खत्म कौन सी हुई थी इस बार? 16वीं। तो बहुत माइनस का फैक्टर है, बस आपको याद रखना है अगर एग्जाम में पूछ लिया तो। उसके बाद एनालिसिस करने को है कुछ, देख सकते हैं रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन हिंदी में बोलते हैं रामसर सम्मेलन, निम्न में से किससे संबंधित है? रामसर सम्मेलन निम्न में से किससे संबंधित है? आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रीय उद्यान मीनिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य, वर्ल्ड सेंचुरी यानी कि पक्षी विहार, लास्ट ऑप्शन है आपके पास आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि यानी कि वेटलैंड्स। इससे संबंधित है रामसर सम्मेलन। तो समझिए रामसर सम्मेलन जो संबंधित है वो है आर्द्रभूमि से यानी कि वेटलैंड्स। रामसर ईरान का एक शहर है, ईरान जिससे आजकल भारत का बहुत डिस्प्यूट चल रहा है क्योंकि भारत ने ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया ईरान से, तो बहुत न्यूज में ईरान आज के डेट में, इसके कंफ्लिक्ट चल रहे हैं यूएस के साथ, तो आप न्यूज में देख सकते हैं ईरान के बारे में। तो ईरान में एक सिटी है, एक शहर था, शहर है एक्चुअल में रामसर। रामसर में सब लोग मिले, वहां मीटिंग हुई, इसके ऊपर आर्द्रभूमि के ऊपर, आर्द्रभूमि को इंग्लिश में बोलते हैं वेटलैंड्स, इनके ऊपर मीटिंग हुई और इनके कंजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन मीनिंग संरक्षण के लिए, इनके संरक्षण के लिए कन्वेंशन आया सामने, उसे हमने बोला क्या? रामसर सम्मेलन या रामसर कन्वेंशन। तो आपको दिमाग में रखना है कि जो रामसर कन्वेंशन है वो किससे संबंधित है? वो आर्द्रभूमि से संबंधित है। आर्द्रभूमि मानव के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
इनका बहुत मेन रोल होता है ह्यूमन एक्जिस्टेंस में या फिर इकोसिस्टम में, पारितंत्र में इनका बहुत मेन रोल होता है। तो इसकी कन्वेंशन, इसकी कंजर्वेशन के लिए कौन है? रामसर कन्वेंशन, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आजाद हिंद फौज का गठन कहां हुआ था? आजाद हिंद फौज का गठन कहां हुआ था? क्वेश्चन इसका आंसर आजाद हिंद फौज, डेफिनेटली आपने इसके बारे में सुना होगा, बहुत रिनाउंड एजेंसी थी आजाद हिंद फौज। तो ऑप्शन है आपके सामने थाईलैंड, इन सबकी राजधानी पता होनी चाहिए वैसे आपको, थाईलैंड, सिंगापुर, लाओस और वियतनाम। इनमें से राइट आंसर डेफिनेटली पता होगा सिंगापुर। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, किसने की थी? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी और सिंगापुर कहाँ है। अगर आप भारत की लोकेशन कुछ ऐसी मानेंगे, देते हैं अगर आप भारत की लोकेशन इधर मानेंगे तो कुछ इस जगह पर है सिंगापुर, यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में दक्षिण पूर्वी एशिया में। सिंगापुर आशियान देशों का सदस्य है, आशियान देशों का सदस्य है सिंगापुर, लेकिन भारत नहीं, इंडिया आशियान देशों में नहीं आता, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर कि 2019 में गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर, क्योंकि हम रेलवे एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो रेलवे क्वेश्चन भी होने चाहिए, 2019 पे गणतंत्र दिवस पर रेलवे की तरफ से कौन सी जाती गई थी सर? अब ये थोड़ा समझने वाली बात, आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट, सारे स्टेट्स जो होते हैं, राज्य होते हैं, सारे अपनी अपनी झांकियां भेजते हैं अपने कल्चर को प्रस्तुत करते हुए, संस्कृति को दिखाते हुए, तो रेलवे भी भेजता जाता है। तो इस बार रेलवे ने कौन सी झांकी भेजी है, वो किससे संबंधित थी? तो आपके सामने ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से संबंधित थी वो, जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थी, महात्मा गांधी से संबंधित थी, सरोजनी नायडू से संबंधित। आपके सामने चार ऑप्शन है, रेलवे ने इस बार के गणतंत्र दिवस पर जो झांकी भेजी थी वो किससे संबंधित थी? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। इसकी थीम क्या थी इस वर्ष की? इसकी थीम थी मोहन से महात्मा, मोहन से महात्मा, यानी कि आपको पता होगा ये तो बहुत कॉमन सी बात है कि महात्मा गांधी का नाम लेते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। तो इस थीम में ये बताया गया था एक सामान्य सा इंसान मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी कैसे बन गए, इसको डिनोट किया गया था, इसको सिग्निफाई किया गया था, वहां पर किया क्या गया था कि एक रेलवे था, मतलब रेलवे का डब्बा बनाया गया झांकी में, यहाँ पे आगे इंजन के ऊपर महात्मा गांधी की क्या मूर्ति लगाई गई, ये वहां की ट्रेन दिखाई थी इन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग, आई थिंक आपने सुना हो, तो यहाँ की ट्रेन दिखाई थी जो साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में गांधी जी को ट्रेन के डिब्बे से उतार दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और शायद वहीं पर उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जिस तरीके से आज आप मुझे उतार रहे हैं मैं आपको अपने देश से निकाल दूं, कुछ ऐसा माना जाता है। तो यही इसमें सिग्निफाई किया गया था कि महात्मा गांधी बैठे हुए हैं और साउथ अफ्रीका का रेलवे स्टेशन। तो ये आप याद रखेंगे इस बार की थीम क्या थी, मोहन सिंह महात्मा, और बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के कैंडिडेट्स के लिए क्योंकि रेलवे अपने से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर पूछेगा करंट अफेयर का। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।